हे गाइस, इट्स विजेस हियर। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारी न्यू बाइसिकल शैडो फैक्स को। और ये जो शैडो फैक्स है वो हमें 91 ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। ये जो शैडो फैक्स है, 91 ब्रांड ने एक्चुअली इसका नेम एक हॉर्स के ऊपर रखा है, जो कि ये शैडो फैक्स जो हॉर्स था वो एक्चुअली उसकी स्पीड विंड से भी ज़्यादा तेज मानी जाती थी, तो इस वजह से इन्होंने इसका नेम शैडो फैक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस हॉर्स की तरह सिमिलर मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले ये जो कलर है हमारी फ्रेम का, ये है मिलिट्री ग्रीन कलर, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें आपको दो और कलर देखने को मिलेंगे, एक नेवी ब्लू है और एक रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। मुझे इसका मिलिट्री ग्रीन कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और बात करें इस फ्रेम की, तो इस फ्रेम के ऊपर हमें नियॉन ग्रीन एंड वाइट कलर के ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस बाइसिकल फ्रेम को काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी स्ट्राइकिंग बनाते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। और बात करें इस फ्रेम साइज़ के बारे में, तो इसमें हमें केवल एक ही स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिलता है, केवल 18.5 इंच का फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आपकी हाइट अगर 5.6 से लेके 6.2 फीट तक है, तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। तो गाइस, बात करें इसकी फ्रेम के बारे में, तो ये जो फ्रेम है वो हमें 6061 एल्यूमिनियम अलॉय का देखने को मिलता है, जिसमें हमें लाइफ टाइम वारंटी फ्री मिलती है। और इसमें जो केबल्स यूज़ करी गई हैं, वो केबल्स भी हमें नियॉन ग्रीन कलर की देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो ये जो सस्पेंशन है वो हमें जूम की तरफ से देखने को मिलते हैं। इसमें हमें 80mm का ट्रैवल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है MTB के लिए। और इसमें हमें मैकेनिकल लॉक इन लॉकआउट सिस्टम देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सस्पेंशन में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लॉक इन लॉकआउट सिस्टम। और इस सस्पेंशन में हमें प्री लोड एडजस्टर भी मिल जाता है, जिससे हम अपना जो सस्पेंशन का लोड है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर इस साइकिल में हमें DSi ब्रांड की तरफ से 29 इंच के मैसिव टायर देखने को मिलते हैं, और इस टायर में हम मैक्सिमम 50 PSI तक हम अपना एयर प्रेशर फील कर सकते हैं। 30 to 50 PSI इसका मैक्सिमम लिमिट है। तो गाइस, बात करें इसके हैंडल बार के बारे में, तो ये हैंडल बार हमें राइजिंग हैंडल बार देखने को मिलता है, 720mm का, काफ़ी वाइड है, काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये, काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहेगा आपका। और इसमें हमें जो शिफ्टर्स हैं वो इजी फायर शिफ्टर शिमानो एल्टस की तरफ से देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये शिफ्टर्स में जैसे बाकी शिफ्टर्स की तरह भी हमें बैरल एडजस्टर देखने को मिलता है, जिससे हम हमारे गियर ट्यून कर सकते हैं। और जो शिमानो एल्टस की तरफ से जो शिफ्टर्स मिलते हैं, उसमें हमें मेटल का लीवर प्रोवाइड होता है। अगर आप शिमानो टॉर्नी के आपके शिफ्टर्स होंगे, तो उसमें प्लास्टिक का आपको लीवर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में, तो ये हमें नेको की तरफ से थ्रेडलेस स्टेम हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसे हम अब आगे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो गाइस, बात करें इसके सैडल के बारे में, तो इसमें काफ़ी अच्छी कुशनिंग हमें देखने को मिल जाती है। आप 30-40 किलोमीटर्स इजीली राइड कर सकते हैं विदाउट एनी साइकिलिंग शॉर्ट्स। और ये जो सैडल है, ये हमें क्विक रिलीज लीवर के साथ देखने को मिलता है, आप इसका सीट पोस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बात करें इसके सबसे मेन कंपोनेंट इसके गियर्स के बारे में, तो इसमें हमें टोटल 21 नंबर्स गियर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें पीछे 7-speed फ्री व्हील देखने को मिलेगा। और फ्रंट में हम बात करते हैं, तो शिमानो टर्नी का इसमें हमें फ्रंट डेरियर देखने को मिलता है, और इसमें 3-speed क्रैंक सेट देखने को मिलेगा आगे। मैक्सिमम 42 teeth रहेंगे इसमें, और मिनिमम 24। एंड बात करें इसके रियर डेरियर की, तो इसमें हमें शिमानो एल्टस देखने को मिलता है। और अब आगे चलते हैं, तो इसके हब के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हब हमें शुफैंग की तरफ से इसके फ्रंट एंड रियर हब देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रोल करते हैं ये। अब बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक के बारे में, तो ये डिस्क ब्रेक हमें जैक कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक इसमें यूज़ करे गए हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इसका। ये देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा, बट इसमें जो बैक साइड में इसमें क्विक रिलीज नहीं दिया है, ये काफ़ी डाउनग्रेड लगता है मुझे इसमें। ये 91 और जो फ्रॉग ब्रांड है, ये पीछे क्विक रिलीज लीवर प्रोवाइड नहीं करते हैं काफ़ी मॉडल्स में। इसमें देखिए, फ्रंट में आपको क्विक रिलीज देखने को मिलेगा, बट इसमें बैक में आपको क्विक रिलीज देखने को नहीं मिलता है, तो वो मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लगता है, आपको दोनों में प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसके रिम के बारे में बात करें, तो इसमें हमें डबल वॉल अलॉय का रिम देखने को मिलता है 91 की तरफ से ही। और पैडल जो है प्लास्टिक के पैडल यूज़ करे गए हैं नेको की तरफ से, इसमें अलॉय के पैडल अगर देते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए गाइस, एक टेस्ट राइड कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी राइड क्वालिटी एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ये देखिए गाइस,
ये जो 29 इंच के जो टायर्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा बल्कि काफ़ी मैसिव लुक देते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपके ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे 29 इंच के MTB टायर्स, ये देखिए। और इसका जो बाइक का कलर है, जो ग्राफिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करेगा ये मिलिट्री ग्रीन कलर, एक बार जाके देखिएगा अपने लोकल स्टोर में, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका। तो चलिए एक छोटी सी राइड करके देखते हैं, इसके सस्पेंशन टेस्ट कर लेते हैं। तो सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप इसका लोड एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी कॉर्नरिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है इसके टायर्स से। इसका राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कर सकते हैं। और इस बाइसिकल का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स दिए गए हैं। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक लगी मुझे। आप इसको 25,000 के अंडर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका MRP अराउंड 26,000 आपको देखने को मिलेगा, बट आप अगर डिस्काउंट ले सकें तो 25,000 के अंडर आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ ये बाइक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप भी इस बाइक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये था अभी तक का बाइक का रिव्यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप पैडलिंग।